हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जनपद पौड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश हो रही है। वहीं चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र में बीरोखाल के अंतर्गत आने वाले सुकई गांव के आसपास हो रही भारी बारिश से मलबा लोगों के घरों के अंदर घुसने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि बीती 22 मई को ओलावृष्टि और बादल फटने से उनके गांव समेत आसपास के क्षेत्र में बिजली, पानी और सड़कों आदि को नुकसान पहुंचा था। वहीं फिर से हो रही बारिश से उनके गांव के कई घरों में मलबा घुस गया है, जिससे क्षेत्रीय ग्रामीणों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चौबट्टा खाल से हमारे संवाददाता स्पर्श अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारे यहाँ पे जो डिजास्टर में कुछ दिन पहले सुकई ग्राम पंचायत, कुंजोली ग्राम पंचायत और उसके बाद ये फरसाड़ी ग्राम पंचायत और आंशिक रूप से हमारा जीवाई का एक चौक है, इसमें फ्लड आया था और बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पे हुआ था। मैं इस मानसून सीजन को देखते हुए माननीय जिलाधिकारी जनपद पौड़ी गढ़वाल से आग्रह करता हूँ कि आप तुरंत इसके लिए एक ठोस कार्य योजना बनाएं, क्योंकि हम पहले भी इस बारे में इतला दे चुके हैं, सूचना दे चुके हैं और वहाँ पे चूँकि भौगोलिक परिस्थितियाँ कुछ इस तरह से कि आने वाले समय में कोई जन हानि ना हो और जिस तरह से बरसात शुरू हो गई है और वहाँ पे जो हम लोगों ने कुछ प्रस्ताव जो डिजास्टर के थे वो भी माननीय जिलाधिकारी जी को प्रेषित कर रखे हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप प्रत्येक ग्राम पंचायत में, विशेषकर सुकई जो ग्राम पंचायत है और जो कुंजोली का एक तोक है और उसी में गुडेलखिल गाँव है और फरसाड़ी का पूरा बाजार है, इसके लिए कम से कम 50 लाख रुपए प्रत्येक नाले की ट्रीटमेंट के लिए, 50 लाख रुपए सुकई ग्राम पंचायत के अंदर जो भी ड्रेनेज है, जो भी फ्लड आ रहा है, हमने कल देखा कि वो फिर पूरा उसी तरह से पहले के प्रारूप में जहाँ जहाँ पे वो पानी गया था वहाँ पे पूरा पानी निकल के आ गया। तो किसी एजेंसी को, चाहे वो राजकीय सिंचाई, उसके लिए एजेंसी आप निर्धारित करें या उसके लिए आप PWD को एजेंसी निर्धारित करें, चूँकि इसमें पंचायतों के माध्यम से हम जितना भी काम करेंगे संभव नहीं है। तो मेरा निवेदन है कि आप ये जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं जहाँ पे क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, सुकई हो गया, कुंजोली हो गया, उडलखिल हो गया, फरसाड़ी हो गया, इसके लिए बृहद कार्य योजना बना के और वहाँ पे किसी बड़ी जो कार्य एजेंसी है, जो वर्किंग एजेंसी, उसको नियमित करके इस पर तुरंत कार्य शुरू करें, जो जिससे कि ग्रामीणों में जो भय बैठा हुआ है कि फिर बरसात में पानी उनके घरों के अंदर आएगा, जान माल का नुकसान हो सकता है, रात को लोग भय में सो रहे हैं, भय में अपने घरों के अंदर हैं कि रात को अगर बारिश से ज़्यादा पानी आ जाएगा तो सब लोग परेशान हैं। तो मेरा आग्रह शासन से भी, सरकार से भी आग्रह है और माननीय जिलाधिकारी जी से भी आग्रह है कि आप इसके लिए इनिशियल लेते हुए तुरंत इसको जल्दी से जल्दी इसको, इस कार्य को संपादित करें। बीरोखाल में चूँकि मई के महीने में जो आपदा आई थी तो उसमें हम लोगों ने उसी टाइम में इमीडिएटली रिस्पांस भी किया था और फिर उसके बाद में जो रिकंस्ट्रक्शन वर्क्स हैं उनके लिए कुछ पैसा भी सेंक्शन किया गया और SDM में भी उनके प्रपोजल्स लिए जा रहे हैं। तो वहाँ के SDM को निर्देशित किया गया, बीरोखाल SDM को, कि वो कंटिन्यूसली इस पर नज़र बनाए रखें और यदि कहीं पर भी इंटरवेंशन की आवश्यकता है तो तत्काल आपदा कंट्रोल रूम और अभी वर्तमान में DDMO भी वहीं पर भ्रमण के लिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।